आज का दिन में कर्नूल हार्ट फाउंडेशन में नया जिम टीजी वेंकटेश का और उनका बेटा टीजी भरत का अनुमोदन से शुरू किया। उनका ओपनिंग सेरेमनी आज भरत से टीजी भरत से किया गया है। कोई भी एक टाउन में रहने के लिए क्या क्या होना, अच्छा रोड्स होना, स्कूल्स होना, हॉस्पिटल्स होना, इसके अलावा ऐसा कर्नूल हार्ट फाउंडेशन का जैसा इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों का सेहत बहुत बिगड़ रहा है। पानी में गलत क्या बोलते हैं, पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन, फूड में पोल्यूशन, फ्रेश वेजिटेबल्स में भी आजकल अच्छा नहीं आ रहा है। ये सब ध्यान में रख के आप हर एक आदमी हर एक दिन में एक घंटा, कम से कम एक घंटा आपका सेहत के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मगर मेहनत कैसे करना, क्या करना, उनको बताने के लिए ये कर्नूल हार्ट फाउंडेशन काम करता है। खाली फिजिकल नहीं है, मेंटल का भी है इधर, और ये हार्ट डिसीजेस के लिए सेपरेट हर एक महीने पहले इतवार को एक लेक्चर दिया जाएगा। उस लेक्चर में क्या होगा, आपका सेहत कैसे रखना, आपका दिनचर्या में क्या क्या करना बताने के लिए ये हार्ट फाउंडेशन काम कर रहा है। ये काम ऐसे ही नहीं कर सकता है। टीजी वेंकटेश का जैसे लोग जिसके पास बहुत पैसा है, वो पैसा कैसे खर्च करना भी मालूम नहीं है, ऐसा लोग है। मगर साहब वेंकटेश साहब ऐसा नहीं है, आओ जो भी करेगा आपके फायदे के लिए नहीं है, लोगों के समाज के लिए क्या कर सकता है सोच के कोई चंद्रशेखर जैसा आदमी मिलेगा, यस ये आदमी कुछ काम कर रहे हैं, उसको मदद करना ज़रूरी है बोल के हमें ये जिम के खरीदने के लिए 15 लाख रुपए अपना हिसाब का अपना खुद का पैसा दे के हमको मदद कर रहे हैं। और हम ये मदद लेके पूरा कर्नूल लोगों को उनका सेहत बढ़ाने के लिए, अच्छे रहने के लिए हमें इधर काम कर रहे हैं। हमारा चंद्रशेखर साहब का नेतृत्व में ये काम हो रहा है, इसके लिए उनके धन्यवाद है। और इससे ज़्यादा टीजी वेंकटेश को और उनका पुत्र टीजी भरत को हमें धन्यवाद देते हुए ये मौका देने के लिए धन्यवाद करते, प्रेस वालों को भी धन्यवाद देते हैं ये पहुँचा आपका तक पहुँचाने के लिए। मैं केसी राउंडो मेरा नाम है, मैं 10 साल से कर्नूल हार्ट फाउंडेशन में ट्रेजरर का काम करता हूँ। इसका जो जैसा हार्ट, गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ऑल्सो फाउंडर सेक्रेटरी फॉर कर्नूल हार्ट फाउंडेशन। The Kurnool Heart Foundation started in 2002 basically to increase the awareness about the heart problems in the society, where the district collector is a president, I am the secretary. So this was organization started long back in 2002 by G. Sai Prasad, then the district collector, and it is running well. And 2011 with the help of Sri T. J. Venkatesh Garu, we have grounded the health club in the A camp region, and he has given initially 20 lakhs. So we have made a yoga hall. After that, 2012, another 20 lakhs MLA funds.
13 another 20 lakhs. So with the 60 lakhs and also money from the AP Cardiological Society, we have made this building, Kurnool Heart House, in 2015, where Deputy CM Krishnamurthy Gar inaugurated it. So 2012, TG Sports and Development Committee, gym equipment has come. Recently, TG Venkatesh and Bharat have given 15 lakhs worth of gym equipment to the Kurnool Health Club, so that we have to maintain this one, because everybody should, apart from the yoga and meditation, that is for a mental health, and for a physical health, gym is also required, and there's a separate trainer is there, and with this we are running the show from the Kurnool Heart Foundation. Every month, first Sunday, we are doing some awareness programs for the public, and gym is required for regular gym users are there in the Kurnool, and it will be helpful. So I once again thank wholeheartedly TG Bharat Garu, TG Venkatesh Garu, having contributed a lot for the Kurnool Heart Foundation, and particularly gym, around 15 lakhs worth of gym for the welfare of the public. Thank you. आज कर्नूल हार्ट फाउंडेशन को हमारा टीजीवी ग्रुप से 15 लाख वर्थ इक्विपमेंट्स डोनेट करा। ये कर्नूल हार्ट फाउंडेशन को पहले दिन से टीजी वेंकटेश गारु और टीजीवी ग्रुप हम लोग बहुत सपोर्ट किया। जब मिनिस्टर था तब ये एरिया में कोई यूजलेस एरिया था इधर, और बहुत प्रॉब्लम्स था। फादर और डॉक्टर चंद्रशेखर गारू आके उधर पुलारेडी के पास लैंड जाए तो फादर ने कई को इधर लेना अच्छा रहा था फाउंडेशन के लिए और हेल्थ के लिए। इधर टाउन में रखेंगे तो जिम या इक्विपमेंट ऐसा रखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर सबको, अच्छा रहा था करके इधर ऑर्गेनाइज स्टार्ट करा था। तो रेगुलर में आपको मालूम है इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस ज़्यादा रहा था। जो फर्स्ट टाइम इक्विपमेंट दिया हम लोग, उसका लाइफ हो गया ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गया था, और फिर अभी नया इक्विपमेंट्स लिया। सो ये यूटिलाइज करना, ये एरिया वाले सब लोग आके यूटिलाइज करना, इतना अच्छा इक्विपमेंट्स और इतना अच्छे एरिया है। सबको सब इधर जो मेम्बर्स पूछ रहे, इधर अच्छा ऑक्सीजन लेवल्स भी अच्छा रहा था, बिकॉज इट इज़ इन ए कॉर्नर प्लेस, तो ट्रैफिक या कुछ भी नहीं रहा था। तो ये एरिया में जो है सब लोग ये यूटिलाइज करेंगे तो बेनिफिट होता आपका हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। आज का दिन में अभी कोरोना लास्ट 1 ईयर से सबको मालूम है कितना मेंटली डिस्टर्ब हो गया सब लोग। तो हेल्थ के लिए हाफ एन आवर 1 आवर डेली स्पेंड करेंगे तो आपका भी अच्छा रहता, फ्यूचर भी अच्छा रहता। सो टेक अटमोस्ट केयर एंड दिस एरिया शुड, पीपल शुड कम एंड स्पेंड सम टाइम। थैंक यू। మిడ్నైట్ కానీ ఇది కానీ సార్తో అంటే సంభవం ఏమో సేపటి మేనేజ్ ఫస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండి. చాలా సార్లు అట్లా ఫ్రెండ్ పెట్టిన తర్వాత అయిపోయింది దాన్ని, బట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఇట్లా కార్యక్రమాలు ముందు ముందు కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ధన్యవాదాలు. జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేసి ఆ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ పీజీ భరత్ గారికి